नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। ये हमने मूंग दाल की बड़ी लिया है, ये बड़ी इसकी रेसिपी हमने अपलोड किया हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। तो आज इसकी सब्जी बनाएंगे, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमने बड़ी लिया है, इधर कढ़ाई गर्म होने रखा है, थोड़ा सा एक चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल दी हूँ। उसके बाद इसको इसमें हम फ्राई करेंगे। दो मिनट के लिए इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करना है। ये अच्छा सा फ्राई हो गया है, क्या करते हैं इधर देखें, हमने ये गर्म पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसमें जो बड़ी हमने जो फ्राई कर लिया है इस बड़ी को इसमें डाल देंगे सीधा, जिससे कि बड़ी ये बड़ी अच्छे से फूल जाएगा। इसको साइड में रखते हैं और इधर फिर से हम कुकिंग ऑयल डालेंगे एक बड़े चम्मच। बहुत टेस्टी बनता है ये सब्जी। और इधर हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, दालचीनी के एक टुकड़े, एक बड़ी इलायची जिसे हमने इस तरह से तोड़ लिया है जिसका पूरा फ्लेवर अच्छे से आ सके, ये थोड़ा सा हमने जीरा लिया है। इन सबको क्रैकल करने देते हैं। और ये जो आलू लिया है इसको भी इसमें हम डाल देंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। जितना देर ये आलू फ्राई होता है फिर एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें ये टमाटर, हमने एक बड़े टमाटर लिया है, ये इस तरह से मोटे टुकड़ों में कटा हुआ एक प्याज लिया है, कुछ हरी मिर्च के टुकड़े, इन सबको अच्छा सा पेस्ट बना करके हमें रेडी कर लेना है। इधर आलू को बीच बीच में टर्न करते रहेंगे। ये आलू भून गया है, इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी नमक डालने से क्या होता है, आलू में अच्छे से नमक जॉब कर लेता है और बहुत टेस्टी हो जाता है, तो इसलिए अभी नमक हमने डाला है। अब क्या करते हैं, ये जो हमने टमाटर को और प्याज को पीसा है उसे डाल देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे भी हम डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छा सा भून करके रेडी कर लेते हैं। ये प्याज और टमाटर अच्छे से भून गया है। अभी हम ये जो सूखे मसाले लिए हैं, ये हल्दी पाउडर है, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर लिया हमने, ये धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर उससे कम लाल मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो कि हमारे सब्जी को अच्छा सा कलर देगा। तो इन सब मसालों को अभी हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम दो मिनट के लिए अच्छा सा कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को भून लेते हैं। ये मसाले आप देख सकते हैं अच्छा सा भूनकर रेडी हो गया है। इसमें हम ये कसूरी मेथी लिए, इसे अच्छे से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है बड़ी के साथ जब आप इस तरह से बनाएंगे, तो इसे भी हमें मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद ये जो हमने पानी लिया है पानी को डाल देंगे। पानी थोड़ा ज्यादा डालिए क्योंकि इसमें हम बड़ी को भी डाल करके बॉईल करने वाले हैं
जब इसमें एक बॉयल आ जाए उसके बाद हम बड़ी को डालेंगे। तो इस तरह से इसको हम ढक देते हैं, इसे ढक करके एक बॉयल आने देते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे से बॉयल हो गया है। बॉयल करके डालने का रीजन ये है फ्रेंड्स कि सारे मसाले का फ्लेवर अच्छे से पूरी सब्जी में फैल जाए, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें ये जो बड़ी है उसके सारे पानी को हमने निकाल दिया है और बड़ी को डाल देंगे। और इसे कम से कम स्लो मीडियम फ्लेम पे, एकदम ही लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए इसे हम ढक करके छोड़ देंगे ताकि बड़ी में अच्छे से पूरी सब्जी की फ्लेवर आ जाए। 5 मिनट्स हो गया, इसे हम देख सकते हैं काफी अच्छी सब्जी बन करके रेडी हो गई है। आपको ग्रेवी जितना चाहिए उस हिसाब से ग्रेवी को रखिए। इसे आप चावल के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए काफी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और टेस्टी है ही ये सब्जी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है फ्रेंड। अपने फीडबैक कमेंट के साथ हमें अपने रिप्लाई देते रहिए। देखिए काफी अच्छी बड़ी की सब्जी बन गई है और ये हमारा बड़ी भी जो है वो भी अच्छे से फूल करके रेडी हो गया है। आपको तोड़ के दिखाऊंगी एक बड़ी को। देखिए बहुत ही अच्छा सा, देख सकते कितना आराम से ये बड़ी टूट जा रहा है। बहुत ही अच्छी सब्जी बन के रेडी हो गई। तो इसे आप बनाइए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। काफी अच्छी मसालेदार ये मूंग दाल की बड़ी हमारी रेडी हो गई है, इसे ट्राई कीजिए। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और स्प्रिंकल कर देते हैं, है ना टेस्टी और देखने में भी सुंदर। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।